राव स्वरूपगंज के गांव न्योलकी में स्थित श्री कृष्ण गौशाला में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से गौशाला में बने सूखे चारे के गोदाम में रखा सूखा चारा लगभग 1000 क्विंटल से अधिक जलकर राख हो गया। आज सुबह अचानक से लगी इस आग को काबू पाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जेसीबी मशीनों, टैंकरों और नगरपालिका रावतसर और हनुमानगढ़ से पहुंची हुई दमकल की सहायता से काबू पाया गया। आग लगने से गौशाला को नुकसान पहुंचने की आशंका है, लेकिन गौवंश पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि आग लगने के कारणों का यहां पर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गौशाला को आग लगने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। 1000 क्विंटल से अधिक सूखा चारा जलने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। अभी भी आग पर लगातार काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ और रावतसर से दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल गाड़ियों के पहुंचने के बाद आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू जो है वो जारी है। घटना में राहत की बात यह रही कि कोई भी गौवंश जो है वो इस आग की चपेट में नहीं आया है। हनुमानगढ़ जिले के रावत स्वरूपखंड के न्योलकी गाँव में स्थित श्री कृष्ण गौशाला का यह मामला है, जहाँ पर अज्ञात कारणों के चलते सूखे चारे में आग लग गई है।